बेगम कुलसुम नवाज की मैयत आज पाकिस्तान लाई जा रही है। जुमे को आपको बताया था कल भी कि उनकी नमाज जनाजा होगी। एब्सोल्युटली जी, आज पाकिस्तान लाई जा रही है, आज लंदन और कल लाहौर में नमाज जनाजा होगी। तहरीक इंसाफ हुकूमत तमाम इंतजामी सहूलियात मुहैया करने के लिए तैयार है और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ बेगम कुलसुम नवाज की मैयत लेने लंदन पहुंच गए हैं, जहां आज दोपहर बेगम कुलसुम नवाज की नमाज जनाजा अदा की जाएगी, जिसके बाद मैयत तदफीन के लिए पाकिस्तान लाई जाएगी। दूसरी जानेब परोल पर अडियाला जेल से रिहाई के बाद नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर जाती उमरा में मौजूद हैं, जहां उनके रिश्तेदार और नून लीगी रहनुमाओं की आमद जारी है। पंजाब हुकूमत ने रिहाई में मजीद 4 रोज इजाफे का फैसला किया है और परोल की मुद्दत इतवार की रात 12 बजे तक बढ़ा दी गई है, जिसका वजीर आला पंजाब ने वादा किया था। अच्छा सर, ये बताइए कि नवाज शरीफ साहब की पैरोल 12 घंटे की आपने हुक्म दिया, अब चूंकि जनाजा लेट है, आप क्या कहेंगे कि उसमें कोई तौसीक कर दी गई है 3 दिन की, आप इसको तस्दीक करते हैं सर? जी अभी इंशाल्लाह थोड़ी देर में इस पर हमने मीटिंग करनी है, कर देंगे, उसमें तौसीक हो जाएगी इंशाल्लाह। और ये जो कहा जा रहा है कि जाती उमरा को सब जेल करार दिया गया, ये बात दुरुस्त नहीं है? नहीं, बस पुलिस कस्टडी है, जिस तरह रूल्स हैं, जिस तरह पैरोल के रूल्स परमिट करते हैं, उसी तरह हमने चलना। और आपको ये भी बता दें कि तर्जुमान महकमा दाखला ने बताया कि कुलसुम नवाज की मैयत पाकिस्तान आने में किसी ताखीर पर पैरोल में मजीद इजाफा कर किया जा सकता है। इस करते हैं सर, अपडेट लेते हैं, जाती उम्र रावेंट के बाहर क्या सूरत हाल है? जाहिर है लोगों की आमद का सिलसिला जारी है, अफसोस करने के लिए लोग आ रहे हैं। जवाद मलिक जियो न्यूज़ के कॉरेस्पॉन्डेंट वहाँ मौजूद हैं। जवाद, बताइएगा क्या सूरत हाल है और कब तक इम्कान है, एक्सपेक्टेड है कि मैयत जाती उम्र रिहाइशगाह पर पहुँचा दी जाएगी? जी बिल्कुल अब्दुल्ला, इस वक्त हम यहाँ जाती उम्रा उनके घर के बाहर मौजूद हैं। इंतहाई सोगवार माहौल है और ज़ाहिर है एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है और इससे पूरी कौम जो है, पूरे जो आवाम है, वो मियां नवाज शरीफ साहब के साथ ना सिर्फ गम में उनके साथ है, बल्कि ज़ाहिर है उनके पुरसा भी दे रहे हैं। और हमने कल देखा था बड़ी तादाद में जो मर्जी कायदीन हैं मुस्लिम लीग नून के, बल्कि उसके अलावा भी लोग यहाँ पर आए थे, एक कारकुन बड़ी तादाद, तो जो शाम गए फिर मियाँ साहब की तबीयत ख़राब हो गई और डॉक्टर्स ने उन्हें मुलाकातों से रोक दिया था। अभी हमें यही बताया गया अहल खाना की तरफ से कि आज दिन भर वो मुलाकातें नहीं करेंगे, किसी से नहीं मिलेंगे और सिर्फ 4 बजे से 6 बजे तक आम आदमी के लिए, कारकुन के लिए और दीगर जो कायदीन आए गए उनके मुलाकातें भी होंगी और ज़ाहिर वो आके अपने गम का इजहार करेंगे। तो ये यहाँ के सूरत हाल है, सिक्योरिटी के इंतजाम इंतहाई सख्त हैं, हम देख रहे हैं कि पूरा इलाका कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, यहाँ पर DSP खुद भी आए थे और उम्मीद है कि अभी बाकी अमला जो बाकी लोग हैं वो भी यहाँ पहुँच जाएंगे। और जो उनकी बेगम कुलसुम नवाज़ है, उनकी मैयत यहाँ पर कल सुबह आएगी PIA के फ़्लाइट से, लाहौर एयरपोर्ट पर 5 से 5:30 तक पहुँचेगी, उसके बाद यहाँ जाती उम्रा उनकी मैयत को पहुँचा दिया जाएगा और उनकी जो नमाज जनाजा होगी कल शाम असर के वक्त बिल्कुल दाएं तरफ शरीफ सिटी मेडिकल सिटी है, ग्राउंड्स है, 4-5 ग्राउंड को साफ किया जा रहा है, इंतजाम किए जा रहे हैं और वहाँ पर सिक्योरिटी के लिए भी 4 वॉक थ्रू गेट लगाए जाएंगे। वहाँ पर नमाज जी जवाब ये भी बताइएगा कि सुनने में आ रहा है कि तहरीके इंसाफ के कुछ लोग भी जाती उम्रा ताजियत के लिए आएंगे, तो इस हवाले से आपके पास क्या मालूमात हैं, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, हमें यही बताया गया है कि तहरीक इंसाफ के जो मर्जी कायदीन हैं, इमरान खान शायद ना आ सके सिक्योरिटी के इश्यूज़ की वजह से, लेकिन बहरहाल उसके बाद वो उनसे रابطہ करेंगे और उम्मीद है कि वो भी यहाँ आएंगे। लेकिन बाकी जो कायदीन हैं वो फ़ोन भी कर रहे हैं, टेलीफोनिक रابطے भी हैं और उसके अलावा उनकी कल नमाज जनाजा होगी, पीपल्स पार्टी के कायदीन हो, एतजाज अहसन कायरा, कमर जान कायरा और तहरीक इंसाफ और बाकी जमात इस्लामी, ये सब लोग यहाँ पर आएँगे और बड़ी तादाद में यहाँ नमाज जनाजा के चूँकि इंतजाम किए जा रहे हैं, लोगों ने यहाँ पर आना है। और इसके अलावा जो जनाजा अदा की जाएगी वो करेंगे मौलाना तारिक जमील साहब, मरूफ स्कॉलर, मरूफ आलम दीन, वो नमाज जनाजा पढ़ाएंगे और फिर शाम के बाद उनकी जो यहाँ पे बाएं तरफ मेरे आप देख सकते हैं ये गेट है, उसके अंदर जाकर फार्म हाउस है, फार्म हाउस के वहाँ पर उनकी जो मियाँ शरीफ थे और उनके मियाँ नवाज शरीफ के भाई बड़े अब्बास शरीफ, उनके साथ उनकी कब्र जो है तैयार की जा रही है, शाम तक वो तैयारी मुकम्मल हो जाएगी, उसके बाद कल उसको फाइनल शक्ल देकर, सिक्योरिटी के इशूज़ चूँकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैं, हमें अंदर भी नहीं जाने दिया
किया जा रहा है। उनका कि हम 11-12 बजे मीडिया को अंदर लेके जाएंगे और फिर उसको सारा वो इंतजाम दिखाएंगे, उससे पहले चीफ मेडिकल सिटी लेके जाया जाएगा। तो ये सारी इस वक्त हम देख रहे हैं कि मजमू तौर पर ये बड़ा एक गमनाक और बड़ा वाक़ हुआ है और तमाम कौम जो है मियाँ साहब के साथ इस गम में बराबर की। बहुत शुक्रिया आपका जवाब मलिक, हमें अपडेट दे रहे थे जाती उमरा से। मौलाना तारिक जमील नमाज आएंगे कल सुबह 5 बजे के करीब, मैयत पहुँचेगी लाहौर और इंतजाम मुकम्मल किए जा रहे हैं। जाती उमरा में ही उसी अहाते में ही यहाँ पर उनको दफन किया जाएगा।